स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन, एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं, जिसको यूज करके आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में या आप अपने लैपटॉप में बहुत ही आसान तरीके से किसी भी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और वो जो स्क्रीनशॉट है उसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर स्क्रीन के स्क्रीनशॉट को क्लिक करने के बाद अगर उसमें कुछ एडिटिंग करनी है, अगर आपको कुछ लिखना है, कुछ शेप्स को ड्रॉ करना है, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी एक छोटे से स्क्रीनशॉट टूल के साथ ही, ठीक है। तो ये जो स्क्रीनशॉट टूल है ये आपको बहुत मदद करेगा आपके डे टू डे लाइफ में, क्योंकि कई सारी चीज़ें आज के समय पर ऐसी हैं कि आपको स्क्रीनशॉट्स जो है वो इमीडिएटली क्लिक करने होते हैं विद इन अ सेकेंड, ओके। सो अगर आपने इस एप्लीकेशन को, इस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करके रखा है तो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन के या लैपटॉप स्क्रीन के कितने भी स्क्रीनशॉट्स क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट क्लिक करने के लिए कुछ कीज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप कुछ कीज को असाइन कर सकते हैं, पर्टिकुलर टास्क असाइन कर देंगे, सो उस की को प्रेस करने से आपका जो स्क्रीनशॉट है वो कंप्लीट स्क्रीन का क्लिक होके एक फोल्डर में सेव हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आप पर्टिकुलर एरिया का स्क्रीनशॉट क्लिक कर पाएं तो उसको भी आप एक शॉर्टकट की असाइन कर सकते हैं, और जैसे ही आप वो शॉर्टकट की प्रेस करेंगे सो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि जिस एरिया का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप उस पर्टिकुलर एरिया का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं उस टूल के बारे में। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप उस सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ मेरे ब्राउज़र पे, जहाँ पे आपको सर्च करना है लाइट शॉट, ओके। सो ये एक फ्री टूल है जो कि आपको बहुत मदद करेगा आपके सिस्टम में। आप जितनी बार जितने स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जितनी बार आप की को प्रेस करेंगे, जितने स्क्रीनशॉट्स आप लेना चाहते हैं, फ्रीक्वेंटली आपके स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर होके एक पर्टिकुलर फोल्डर में ऑटोमेटिकली सेव होते जाएंगे, ठीक है। सो आपको बस एक की प्रेस करनी है और आपके स्क्रीन का जो स्क्रीनशॉट है वो ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा और ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आप उन सारे स्क्रीनशॉट्स को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा था लाइट शॉट, और आपको यहाँ पे लाइट शॉट की एक वेबसाइट दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, सो आपको डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड फॉर विंडोज एंड डाउनलोड फॉर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। सो विंडोज और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये एप्लीकेशन अवेलेबल है, ठीक है। सो ये इस एप्लीकेशन का पेज है जहाँ से आप अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको गूगल क्रोम के भी स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, वैसे तो आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद किसी भी चीज़ की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको अलग से गूगल क्रोम के अंदर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइट शॉट एप्लीकेशन फॉर विंडोज, डू यू वॉन्ट टू टेक स्क्रीनशॉट आउटसाइड ऑफ योर ब्राउजर, चूज द मोस्ट फंक्शनल लाइट शॉट डाउनलोड ऑप्शन इन ऑर्डर टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी। दिस एप्लीकेशन अलाउज यू टू टेक स्क्रीनशॉट डायरेक्टली फ्रॉम योर डेस्कटॉप। सो डेस्कटॉप पे जो भी ओपन होगा आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं डाउनलोड फॉर विंडोज के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक करा आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो गई डाउनलोड की, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टार्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दिया। हो सकता है आपके सिस्टम में ये डाउनलोड दूसरे प्रोसेस से हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक डाउनलोडर का यूज़ करा हुआ है इसको डाउनलोड होने के लिए। तो आपके सिस्टम में जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे बॉटम में एक छोटा सा ऑप्शन मिलेगा दैट योर डाउनलोडिंग इज स्टार्टेड, और आपको यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो जैसे ही वो सर्कल कंप्लीट हो जाए आपको क्या करना है, आपको जो छोटी सी विंडो दिखाई देगी डाउनलोड कंप्लीशन की, उसके ऊपर आके डबल क्लिक करना है और आपका जो इंस्टॉलर है वो रन होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कि आपका इंस्टॉलर कहाँ गया है, कहाँ पे डाउनलोड हुआ है, तो आप ये जो तीन डॉट्स हैं यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड्स का ऑप्शन मिलेगा। डाउनलोड्स के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे लिस्ट ऑफ डाउनलोड्स हैं जो कि किसी फोल्डर में सेव हुए हैं, सो यहाँ से आप डायरेक्टली उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। सो आपको भी वो सॉफ्टवेयर जो अभी आपने डाउनलोड करा है वो इस तरह से दिखाई देगा। आप शो इन फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे सो जहाँ पे वो डाउनलोड हुआ है वहाँ पे आप डायरेक्टली स्विच हो जाएंगे, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, वो फोल्डर ओपन हो जाएगा जहाँ पे वो इंस्टॉलर डाउनलोड हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो इंस्टॉलर है वो कहाँ डाउनलोड हुआ है, ठीक है। सो मैं उस लोकेशन पे जा रहा हूँ जहाँ पे मेरा इंस्टॉलर डाउनलोड हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो कि मेरे सिस्टम में ये जो इंस्टॉलर है इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो आपके सिस्टम में भी ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। सो इसके बाद आपको यस के ऊपर क्लिक करना है,
ठीक है। यस के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे सो ये आपसे पूछेगा, आपको ओके करना है। इस तरह से आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। जैसे मैंने ओके कर दिया, ठीक है, आई एक्सेप्ट कर दिया, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, फिर मैंने नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह से इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ये फटाफट से इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ नीचे की तरफ एक ये एरो दिखाई देगा। जब आप इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, हो सकता है आपका जो लाइट शॉट का आइकन है वो इस एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे, या फिर आपको यहाँ पे वो डायरेक्टली भी विजिबल होता हुआ दिखेगा, जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो अगर आप इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करते हैं तो लेफ्ट क्लिक करते से ही ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर एरिया को कैप्चर कर सकते हैं लेफ्ट क्लिक से, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको कुछ शॉर्टकट की असाइन कर दें, तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, जैसे टेक अ स्क्रीनशॉट, ऑप्शंस, अबाउट, हेल्प, एग्जिट। सो आपको ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करना है। ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे सो इस तरह से यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें एक जनरल टैब है, ठीक है, ऑटोमेटिकली कॉपी अ लिंक आफ्टर अपलोडिंग। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको जनरल ऑप्शंस के अंदर मिलेंगे, जैसे कैप्चर अ कर्सर ऑन अ स्क्रीनशॉट। जब आप अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो क्या उस समय आपका कर्सर विजिबल होना चाहिए स्क्रीनशॉट के अंदर? अगर आप चाहते हैं तो आप इसको टिक कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ हॉट कीज के ऑप्शन है, ठीक है। सो जनरल हॉट की, शिफ्ट प्रिंट स्क्रीन, इसका मतलब है कि जब भी आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है, आपको किसी स्पेसिफिक एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है, तो आपको शिफ्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करना है। आपके कीबोर्ड में एक प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है, आप उसको यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। अगर आपको फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन का बटन असाइन कर दीजिए, क्योंकि प्रिंट स्क्रीन का बटन एक ऐसा बटन है जो कि सिर्फ स्क्रीन को प्रिंट करने के लिए काम में आता है, तो इसका और कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। सो आप इस बटन को इस तरह से यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर्टिकुलर ऑप्शन के ऊपर जाके, ठीक है, टिक करके और प्रिंट स्क्रीन के बटन को क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, सो यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट प्लस एरो कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे शिफ्ट प्लस डाउन आ गया। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन आ गया, ठीक है। सो आपको अपने कीबोर्ड से बटन को प्रेस कर देना है और वो बटन यहाँ पे असाइन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको ओके कर देना है। अब जब भी आप प्रिंट स्क्रीन करेंगे सो इसी स्क्रीन को वो कैप्चर करके, फुल स्क्रीन को वो कैप्चर करके एक पर्टिकुलर फोल्डर में सेव कर देगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये पर्टिकुलर इमेज जो है वो क्लिक हो गई है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर इमेज क्लिक होके सेव हो गई है मेरे कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है, प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करने पे। अगर मैं शिफ्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक्टिवेट हो गया है और ये मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या एरिया सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे देखिए सिलेक्शन के बाद आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे पेन का ऑप्शन मिल रहा है। सो आप पेन का ऑप्शन यूज करके यहाँ पे जो भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एरो का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपको स्क्वायर का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपको मार्कर का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप कुछ टाइप करना चाहते हैं सो वो आप टाइप भी कर सकते हैं इस तरीके से, और अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं सो यहाँ पे कलर चेंज करने का भी आपको ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से ऑरेंज कलर ले लिया, ठीक है, और मैंने ओके करा, सो यहाँ पे देखिए अब जो भी आप ड्रॉ करेंगे, जो भी आप लिखेंगे वो ऑरेंज कलर में आएगा, ठीक है। सो इस तरह से आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक अंडू का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, इसका शॉर्टकट की भी आपको असाइन करा हुआ दिख रहा है, कंट्रोल प्लस जेड। जो भी चीज़ें आपने करी हैं, जो भी चीज़ें आपने परफॉर्म करी हैं वो आप अंडू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस है। यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी हैं, जैसे आप यहाँ से इस पर्टिकुलर चीज़ को सेव कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉपी करके कहीं पे पेस्ट कर सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट में या फिर मेल पे आप पेस्ट कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, अगर आपका प्रिंटर कनेक्टेड है आप इसको यहाँ से डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इस सिलेक्शन को हटाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लोज भी हो जाएगा इस तरीके से। सो ये एक छोटा सा टूल है लाइट शॉट, ठीक है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। जब भी आपको ऐसा कोई काम आता है जिसमें आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स क्लिक करने पड़ते हैं, तो आप इस लाइट शॉट सॉफ्टवेयर के मदद से वो चीज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस टूल को जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए और इसको यूज़ करके देखिए।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे वीडियो पर आके कमेंट कर सकते हैं। कीज को असाइन करना ना भूलिएगा, ठीक है, शॉर्टकट कीज को असाइन करना ना भूलिएगा, क्योंकि शॉर्टकट की अगर आप असाइन नहीं करेंगे तो आपका ये टूल प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। सो जैसे मैंने बताया वैसे आपको शॉर्टकट की असाइन कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे वीडियोस पे आके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, इसे आगे शेयर करिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, एक बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्टे सेफ।